पीडीएस दुकानदारों द्वारा अनाज कालाबाजारी मामले को लेकर मंडल अध्यक्ष ने अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। खबर बताते चले आपको विस्तार से, जहां सरिया पूर्वी भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन पांडे के नेतृत्व में सरिया प्रखंड भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने सरिया बगोदर अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रखंड अंतर्गत डीलरों द्वारा 12 किलो पर यूनिट अनाज उठाया गया, लेकिन मात्र 5 किलो पर यूनिट अनाज लाभुकों को दिया जा रहा है। मशीन के द्वारा 12 किलो प्रति यूनिट कार्डधारी को मिला ऐसा दिखाया जा रहा है, जबकि शेष 7 किलो लाभुक को नहीं दिया जा रहा। ऐसे लेकर भाजपा प्रतिनिधि मंडल कहा कि जल्द ही सभी लाभुकों को पूरा अनाज दिया जाए, अन्यथा भाजपा सरिया प्रखंड जन आंदोलन को बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कार्डधारियों को पूरा अनाज उपलब्ध कराएं। प्रशासन सरिया प्रमुख रामपति प्रसाद ने इस बाबत कहा कि सरिया प्रखंड के अंतर्गत डीलरों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं देने के संबंध में शिकायतें मिल रही थी। संदर्भ में पूरे मामले को अनुमंडल पदाधिकारी को अवगत करा दिया गया है। एक सप्ताह के अंदर अगर सभी लाभुकों को अनाज नहीं मिला तो भाजपा इसके लिए जन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। प्रतिनिधिमंडल में सरिया प्रमुख रामपति प्रसाद मंडल, अध्यक्ष पश्चिमी अजय यादव, सांसद प्रतिनिधिमंडल, प्रतिनिधि प्रखंड मनोज महतो, बबलू मंडल, खाद्य आपूर्ति सांसद प्रतिनिधि विनोद यादव, महामंत्री श्री रामदेव ठाकुर, केदार सिंह, भाजपा नेता अमित आनंद, उपाध्यक्ष छोटी मंडल, युवा मोर्चा महामंत्री अमरनाथ सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रवि सिंह की खास रिपोर्ट। सितंबर माह का NAFSA रेगुलर अनाज कार्डधारियों को नहीं मिला है। इसमें विभाग से पता करने के पश्चात ये पता चली कि डीलरों के पास अनाज का स्टॉक था, जिसको विभाग ने जीरो किया है, और वो सभी डीलर को सितंबर का रेगुलर का अनाज देना था, उन डीलरों के द्वारा नहीं दिया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है या आशंका है कि इसके बड़े पैमाने पर कालाबाजारी की जा सकती है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आज AMO से मिले, और अगर तत्काल सितंबर माह का अनाज नहीं बटा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, और इसके लिए इसकी सारी जिम्मेदारी इसके विभाग की होगी। और इस संदर्भ में एक आवेदन हम लोगों ने SDO साहब को दे रहा हूँ, और उस पर भी वो त्वरित जांच कर कार्रवाई करने का उनसे भी आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत